साला सलमान भाई तो एक ही एपिसोड के लिए आए थे, अपना स्टाफ यही छोड़ गए क्या? अरे अरे अपने भाई लोग हैं। अरे यार चारों मिलके कम से कम एक तो अच्छा मुंह बना लो, हमको क्लोजअप भी लेने होते हैं। हे भगवान, क्या बात है ए? अरे बद्दुआएं लगेंगी, जुओं का घर उजाड़ दिया तुम लोगों ने। आज साल एक ही शो किया, आज तक फेमस नहीं हुए। ये कृष्णा का वादा है, 8 मिनट में फेमस कर दूंगा आप लोगों को। कॉमेडी नाइट बचाओ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक सलाह देता हूं, सर कभी जोड़ के मत बैठना, नहीं तो किसी को लगेगा कि पैंट उतार के उल्टा बैठा हुआ। गंदी सोच वाले लड़कों, मैं घुटनों की बात कर रहा था सालो। बात करते हैं, ये इवन डेड, ये इतनी अच्छी लेडी के बारे में आप लोग क्या क्या बोल रहे थे। अरे ये औरत नहीं है, यही मेरा पंच था, ये औरत नहीं है। अरे ये औरत की इतनी बड़ी पिक्चर रिलीज हुई, अभी सुपर हिट हुई है, मांझी द माउंटेन मैन। तालियां। एक मिनट, अरे यहां आपकी पिक्चर नहीं थी तो फिर नवाजुद्दीन हथौड़ा लेके किसका मुंह तोड़ने के लिए जा रहा है? अरे अरे इनके बड़े बड़े फैन हैं, ये देख ये आदमी इतने दिनों से इंतजार कर रहा है डॉली बिंद्रा आएगी, डॉली बिंद्रा, उठ के मार अभी। अरे ऐसा वैसा मत समझना, एक दिन सरकारी दफ्तर गई, उन्होंने बोला पहचान पत्र दिखा, उसको बोलती तेरी माँ का ये है। बोलते ये क्या कर रही है? बोलती है ये मेरी पहचान है। लेकिन बड़े बड़े लोग जानते हैं भाई, डॉली बिंद्रा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक दिन ये क्रिकेट के मैदान में गई क्रिकेट देखने, अरे सच्ची बोलता हूँ, सचिन खुद आया चल के, बोलता आई ला डॉली बिंद्रा, कहती है हाँ यहाँ पे बैट मारा उसने मुंह पे। और ये है हमारे विंदु भाई, अरे किलर लुक्स इसे कहते हैं, किलर। कल 3 आदमी इनका मुंह देख के मर गए, सच्ची बात। हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई एक पहलवान है तो वो है हमारे विंदु भाई। अरे तू क्या बॉडी बनाता है, ये देख बाइसेप्स मुंह से बाहर आ रहे हैं इनके। बात करते हैं मारू में, भाई साहब मुझे, अरे एक मिनट जल्दी करो, लेबर पेन चालू होता है। ये धारावी की चाची ताड़का देख लो भैया। अरे तुमको मालूम है कलर्स वालों ने बिंदु भाई को क्यों लिया बिग बॉस में? क्योंकि वो चाहते थे एलियन से भी टीआरपी आए। खैर काफी बकवास कर ली, सुदेश जी कहाँ चले गए यार? हाँ जी सर, बिल्डिंग में ना हमारे कान में क्यों बोल रहे हैं, हमें सुनाओ। नहीं डोली जी नहीं करना, नहीं यार। निकुल व्हाट हैपेंड? नहीं मैं जिन जिन पे मेरा उनसे बकरवाओ, हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, हम नहीं कर सकते, नहीं कोई पंगा नहीं लेना, मैंने नहीं करना तो नहीं करना। ये देखो 4 अलग अलग जगह से 4 लोग इकट्ठे हो गए, इसको कहते हैं यूनिटी, इसको कहते हैं पैसे वाली लालच। लेकिन मुझे ना सब धुंधला धुंधला लग रहा है, कौन आया है? अरे और ये इतना क्यूट सा टेडी बेयर कौन है, मुझे छूना है? ना कर, वो चल पड़ते हैं।
देखा गणेश जी, पहचान ये औरतों का यही मसला है। आपने इतना काम किया फिर भी औरत ने नहीं पहचाना आपको। ऐसा कोई काम होता है? काम करो, डेली सोप में ना लिपस्टिक लगा के, पड़ा लगा साड़ी बांध के ना बहू बन जाओ, ऐसे हिट हो जाओगे। गणेश आचार्य जी है, ये बड़े मासूम है। जिस तंग गली से जाते ना 20-25 मकान गिराते रहते हैं। ये कौन है? अरे अन्नू मलिक है। ओ निकल गई। गाने अच्छे बनाते हैं वो तो है। और गाते भी। सर मैंने भी एक दफा गाया था, मैंने अपना गाना गाया, फिर मुझे लगा मेरे कान है, मैंने छोड़ दिया गाना। सास को कहकर बहू को सुना रहे हो? फसवा दे हथौड़ी की मुंह वाली। अच्छा, ये तो वही है ना जिन्होंने कहा था कि सलमान तब से गरम हुआ है जब से इन्होंने गरम चाय की प्याली पिलाई है ना? सर उस केतली में से एक कप आप भी पी लेते। ये इनके बगल में जो बैठे हैं इतने मासूम से, बड़े सैड लग रहे। पंकज उदास आए हैं क्या? इतने उदास क्यों लग रहे हैं? पहचानती नहीं उनको? बच्चा जानता उनको। अच्छा? हाँ, बड़े नहीं जानते। ये सीनियर सिटीजन है ना। हाँ, इनकी इनकी टिकट सस्ती है ना ट्रेन में, वो वाले। सर ये 2-3 दफा मर भी चुकी है। मुझे इनको देख के पालक पनीर की याद आ रही है। सर इसमें जहर मिला हुआ खाना है। अरे बताओ भी कौन है? कौन है? ये राइटर हैं। क्या लिखते हैं? दीवारें। हाँ? क्या बकवास है। अरे यार किताबें लिखते हैं और क्या लिखेंगे? पता है इन्होंने ना एक डांस रियलिटी शो भी जज किया। हाँ, है वो पूछना है, क्या उन दिनों हालात ठीक नहीं थे? होता है इंसान क्राइसिस में आता तो कर लेता उल्टे सीधे काम। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, हमारा कॉलेज में ये हाल था कि हमें महीनों तक लड़कियों से बात करने को नहीं मिलता था। अच्छा, अब इस शो में मुझे प्रीति जिंटा के साथ बैठने को मिला। सर उसको तो सजा हो गई ना। जाएगा कि नहीं जाएगा आदमी? इन्होंने ना वो एक दूसरी किताब भी लिखी थी, टू स्टेट्स, उसपे भी फिल्म क्या लिखा था सर? उसमें 80% तो पप्पियां थी। मतलब 150 ग्राम का मुंह लेके इतनी पप्पियां होंठ थके नहीं आपके? मतलब मुंह में कलम रख के लिखा, क्या किया आपने? लव स्टोरी थी तो उसमें पप्पियां नहीं होंगी तो क्या होगा फिर? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे एक बात बताओ कि ये तीन आदमी आए उनके साथ, ये चौथी कौन है? ये तीन आदमियों के साथ एक मुफ्त। लेकिन ये औरत है कौन? अबे तूने, वो औरत लग रही तुझे? हाँ लड़की है। अब कह दिया है कवर मत करो। भाई देखो उनकी शादी नहीं हुई ना मैडम आपकी, मेरी दुआ है शादियों में बहुत नाचू आपकी शादी में, लेकिन एक ध्यान रखना कि शादी वाले दिन पति के मुंह पे टेप लगा देना। क्यों? भाई हल्का सा घूंघट उठा के कहे कैसी हो गीता माँ। अच्छा अभी सुनो, मुझे ना अनु सर की शायरी सुनिए। सर आपको पता नहीं मैं आपकी शायरी की कितनी दीवानी हूँ। हेलो हेलो हेलो, सर इसकी बात को सीरियस नहीं लीजिएगा, इलाज चल रहा है। अच्छा मुझे लगता है हमने काफी कह दिया। हाँ काफी कह दिया, आप तो हाथ जोड़ लेते हैं। अगर हमसे कुछ गुस्ताखी हो गई तो वे सॉरी, हम ऐसा फिर से कम नहीं करेंगे। हाँ। ये सब सुनने की उम्मीद मत रखिएगा। हाँ। हमारे शो से हम लोग भागते हैं। हाँ। गणेश जी आप पकड़ सकते तो आपकी हुई। जितना बोलना था बोल लिया सर? बोल लिया। और कुछ बैंड बजानी है? नहीं नहीं सर। देखिए मैं श्रुति को बोलता हूँ, आपको मेरी शायरी सुनने का बहुत शौक है ना, अभी आपने बोला ना सुनाएंगे ना सर। तो बताता हूँ श्रुति, अगर तू इतनी प्यारी नहीं होती ब्यूटी, तेरी बैंड बजाती था श्रुति। ये जो भाई साहब हैं शकील, इनके बारे में इतना कहना चाहिए, बोलते जा रहे थे मार रहे थे कील, नाम रखा है शकील, तुम्हारी बैंड बजाने के लिए लाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का वकील। बुलाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का वकील, समझा जलील। वैसे अनुजी क्या बोले, ये बहुत अच्छी बात है, ये शो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नॉर्मली टीवी पे सिर्फ खूबसूरत लोगों को मौका मिलता है, पर इस शो की वजह से। ऐसे उदित जी बहुत अच्छा हूँ सर, मुंह तो ठीक कर लीजिए, कैसा अच्छा। सर आप
आपको क्यों लगता है कि सर सर ऐसे करूंगा, ऐसे लगता है मुंह सीधा करूंगा तो मूछें गिर जाएंगी। सर एक बार मुंह सीधा करके देखिए, मूछें नहीं गिरेंगी। वैसे एक बात बोलूं, दिल से बोल रही हूं, आज हमने कॉमेडी नाइट बचाओ में 3 सिंगर और एक नेहा कक्कड़ बुलाई है। कैसी है? हेलो रे, हेलो। कैसे हैं आप? मजे में। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। नहीं, ऐसा कहना पड़ता ना गेस्ट आते हैं, वरना ऐसे मुंह पे कौन कहेगा कि मैं नहीं जानती इनको। वैसे एक बात बोलूं, लड़के लड़कियों को देख के सीटी मारते हैं, इनको भी देख के लड़के सीटी मारते, कहते आ जाओ वो चली गई, आ जाओ। ये पहली लड़की है जो ब्यूटी पार्लर में जाती है, सामने से पूछते हैं, हाँ जी सर कटिंग के दाढ़ी बनाएंगे। लेकिन गुजराती बेन, ओए होए, गुजराती क्या तरक्की की है, ओह बहुत शार्प है, बहुत शार्प है वो ब्लेड जिससे ये शेव करती है। जोरदार तालियां भोपूदा के लिए, बप्पीदा के लिए। बप्पीदा, म्यूजिक जगत में बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, AR रहमान, शेखर और ये अपने अनु मलिक जी, लेकिन जो वैरायटी बप्पीदा की चैनों में है ना, किसी में नहीं है वो। क्या अलग अलग चैन पहनी है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, जब मैं पैदा हुई थी ना मैं ऐसे कर रही थी, मैंने तभी सोच लिया था कि मेरा अगर कोई पति होगा तो बप्पीदा जैसा। बप्पीदा एक बार दूर से मुझे ऐसे करके आशीर्वाद दे दो। लाफिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, अब हमारा शो देखना कहाँ से कहाँ जाएगा। बप्पीदा, नासा वाले आपके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, कहती यार ऊपर से देखते हैं, जमीन के नीचे सोने की खदान तो होती है, सोने की खदान धरती पे चलती पहली बार देखी। क्या बात भारती, चार चार नए LED बल्ब लगाए। अरे सुपरस्टार आए हमारे शो में। अरे कैसे उदित जी, नमस्ते। हाय नेहा, कैसी हैं फाल्गुनी जी? पर तूने बताया नहीं जयपुर की महारानी भी बुलाई है। अरे वो बप्पीदा है, उनको गहने पहनने का शौक है, बहुत सोना पहनते हैं। एक बार हमारे बप्पीदा गहने पहन के अपने अपने बेटे को कहते हैं, हम सड़क पे खड़ा रहेगा, हमको धूप सेकना है। ये सड़क पे खड़े थे, औरतें आगे चैने देखने लग गई, हार देखने लग गई, चूड़ियां देखने लग गई, ये चल पड़े डर की, कहती हाय दुकान चल पड़ी। तुझे बड़ा पता है बप्पीदा के बारे में? अरे क्लोज फ्रेंड है, फैमिली रिलेशन है, तुम्हें पता है, सब पता है मुझे बप्पीदा के बारे में। एक बार अपने बरामदे में ऐसे करके सोए थे, इनके घर गेस्ट आ गए, इनकी वाइफ से नाराज हो गए, कहते भाभी आपसे बात नहीं करते, आपने घर में शादी रखी है? कहते नहीं तो, कहते फिर 30 किलो आटा क्यों गूंधा हुआ है? क्या बात है। तुम्हें पता है एक बार ना बप्पीदा का कच्चा उड़ के सड़क में गिर गया। फिर क्या, आज उसी टेंट के नीचे सर्कस चलता है। बाकियों के बारे में बात कर लो। अरे करते तो है, तुमने कहा नेहा आई है, कितने लोग आए हैं। इनको देख के पता क्या लगता है? क्या? कि छोटी बच्ची अपने 3 चाचाओं को शूटिंग दिखाने लाई है। एक नहीं, नहीं, एक बेटे 3 नहीं, 2 चाचा 1 फाल्गुनी। अरे यार क्या करते हो यार, बताना चाहिए ना। वैसे ना एक बात बोलूं, मैं लोग आप ही थी ना वो लोखंड वाला में ना, मैं पर्स खरीदी थी, ये भी पर्स लेने आई थी, दुकानदार कहता भाई साहब भाभी के लिए पर्स खरीदा जा रहा, झगड़ा चल रहा है लगता है। पता है कौन है वो, ध्यान से देख कौन है। कौन है? क्या बात है, याद आ गया। देखा अपनी फालतूनी पाठन जी का ना अंदाज ही अलग है। फाल्गुनी नहीं, फाल्गुनी। नहीं नहीं, फाल्गुनी तो साल के 9 दिन ना, मतलब 9 दिन नवरात्रि पे, बाकी पूरा साल फाल्गुनी। क्या बात है, वाओ। नहीं नहीं, टैलेंटेड तो बहुत है, कटिंग देखो। कितनी टैलेंट है, ये कटिंग क्यों है, इनका भी दिल करता है लंबे बाल रखूं। क्योंकि 9 दिन गाती है ना, अगले दिन गलत हो जाता, फिर लोग बाल पकड़ लेते, निकल जाती फटाफट। बेचारी नेहा फंस जाती है। नेहा भागने लगती, लोग हाथ ही डालते हैं, चल रुक। देख तू नेहा के बारे में कुछ मत बोल प्लीज। यार मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, पता है कितनी बड़ी सुपरस्टार है? कभी गूगल पे डाल के देखियो नेहा, 1500 वीडियो आते हैं नेहा धूपिया के। अच्छा। लेकिन ये बंदी की मैं भी बड़ी फैन हूँ, अभी हमारे डायरेक्टर है ना, इनके फ्रेंड है, सेल्फी खिंचाती है।